अरे वो ठंडा पानी आता है अभी तो जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार। घर में तो बहुत सारा पानी यूज करता हूँ। हाँ यहाँ नहीं कर सकते ना, वेस्ट हो एकदम। ये मेरे फ्रिज में नहीं आता इतना ठंडा पानी। ओ रास्ते चढ़ाई करने के बाद हमने मुंह तक नहीं धोया था, तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद मुंह धोया है। और इतना चिल्स पानी है ना यहाँ पर, इतना ठंडा पानी है ना कि भाई मेरे भी फेस पूरा गल रहा है, पता है इतना ठंडा पानी है। तो नहाने का तो भूल जाओ, सिर्फ मुंह धो लिया। ब्रेकफास्ट वहाँ पे आपको चार्जिंग के स्लॉट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ चार्ज कर लेना। हमने भी वहाँ पे चार्ज किया है, अभी चार्ज किया, ब्रेकफास्ट किया, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। मंदिर दिख गया यहाँ से, मज़ा आ गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, पहाड़ों के नज़दीक आता जा रहा हूँ, इतनी खुशी मिल रही है ना। ये पहाड़ बादलों में है, मंदिर से 200-300 मीटर पहले हेलीपैड है। यहाँ पे गौरीकुंड साहब ऊपर आ सकते हो, इसका चार्ज है 3500-3200। अभी तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है हेलीकॉप्टर्स के लिए, अभी 3500-3000 ऐसा कुछ चलता है, और ऐसे कुछ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपको डायरेक्ट भी छोड़ देंगे, तो मतलब आपका 16 किलोमीटर लंबा ट्रैक बच जाएगा। हाँ ओला रोड था, उससे आते थे पहले ऊपर, इधर तो सारे पहाड़ पहाड़ थे। तो पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी थे, एक पहाड़ से बाढ़ आई थी और जहाँ अपन खड़े वो भी डूब गया। ये सब चीज़ तो नहीं बनाई गई है, पहले नहीं थी। हेमंत भैया यहाँ पहले विजिट कर चुके हैं, आज से दस साल पहले आप यहाँ पे आए थे, आसपास घर हुआ करते थे, और अभी का जो पूरा आउटलुक है पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि भी जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ पे कुछ सालों पहले बाढ़ आ गई थी, और उस बाढ़ के कारण केदारनाथ मंदिर को छोड़ के हर चीज़ तहस नहस हो गई थी। दर्दनाक दिन था वो यहाँ के लोगों के लिए और पूरे भारत के लोगों के लिए भी। तो तुम जिस जगह खड़े हो रातों रात वहाँ बाढ़ आ जाए, तुम्हारे घर डूब जाए, सब मर जाए, प्रकृति का कहर के आगे अपन कुछ नहीं है। अब मैं जाऊँ वहाँ से, मुझे मंदिर दिख रहा है यार, सच में मंदिर दिख रहा है। मतलब 2 साल की आने की इच्छा थी और आज मंदिर देख पा रहा हूँ। सीढ़ियों से ऊपर सामने मंदिर। मेरी मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही है कि मैं ये रिकॉर्ड करूं, पर फर्स्ट एक्सपीरियंस और फर्स्ट एक्सप्रेशन उस मंदिर को देख के मैं खुद के रिकॉर्ड करना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैं कैमरा बंद नहीं करूँगा। ओ गॉड, श्री केदारनाथ धाम पर नगर पंचायत केदारनाथ आपका सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। यह ब्रिज क्रॉस करके अब मंदिर में एंटर होने वाले हैं हम। Thank you.
मैं यहाँ से क्लियर मंदिर देख सकता हूँ। जितना खुशी मुझे मिल रही है ना, अपरंपार है ये। जैसे मैं मंदिर के पास आ रहा हूँ ना, हार्ट बीट बढ़ रही है। लोग कितना डेडिकेशन से यहाँ पे आते हैं, और इतना नज़दीक खड़ा हूँ ना मंदिर के, मैं यार मैं सोच भी नहीं सकता कि मंदिर के तो नज़दीक खड़ा हूँ मैं। शूज़ खोलते हैं फिर अंदर चलेंगे। शंभो, वैसे तो अंदर जाके रिकॉर्डिंग करना मना है, फ़ोटो खींचना मना है, पर मैं ट्राई करूँगा, अगर हो पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ये तो फिर आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा, ब्लॉग में देख के काम चलेगा। बाबा के रूबरू दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। दर्शन करने अंदर जा रहा हूँ मैं, फिर बाहर आके इस मंदिर की स्टोरी सुनाऊँगा कि मंदिर कितने साल पुराना है, कैसे बना, क्या है, किसने बनवाया, माइथोलॉजी से रिलेटेड सारी स्टोरीज हैं। चार दिन है, हम बड़े भैया हैं साथ में, उनको बता वो क्या होगी भाई, उनका पट बंद हो जाता है। ये है मंदिर केदारनाथ डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग, और ये जगह सी लेवल से 11,755 मीटर की दूरी पर है। तो अब बात करते हैं इस मंदिर की स्टोरी के बारे में। हज़ार साल पुराना मंदिर है ये, महाभारत के वक्त की बात है, जब पांडवों पे अपने भाइयों की हत्या का पाप चल रहा था, और उस पाप से मुक्त होने के लिए वो शिव जी के पास जाना चाहते थे, पर शिव जी उनसे मिलने के लिए रेडी थे नहीं। कैलाश गए तो शिव जी उन्हें वहाँ नहीं मिले, फिर उसके बाद वो यहाँ पर आ गए केदारनाथ। शिव जी उस टाइम भैंस के रूप में थे जब वो यहाँ पे आए, भीम ने उन्हें पहचान लिया था कि ये शिव भगवान है, तो दोनों पर्वतों के पैर रख के वो खड़े हो गए थे, तो जो बाकी भैंसें थी वो तो बीच में से निकल गई, पर जो शिव जी थे वो नहीं निकले। भीम समझ गया, भीम ने उनको पीठ से पकड़ा, उनका जो पीठ का हिस्सा है वो ज़मीन में धंसने लगा, तो सामने से आकर सींग से पकड़ा और सर उखाड़ दिया, सर फेंका नेपाल में काठमांडू, धड़ रह गया यहाँ पे। जो सर गया था नेपाल में काठमांडू, वहाँ पे मंदिर बना पशुपतिनाथ, जो धड़ था वो बना केदारनाथ। इस मंदिर की वाइब बहुत अलग है, कुछ जगहें अपने भारत में ऐसी हैं वहाँ पे आपको आना, खुद आना बनता है अपनी लाइफ में एक बार। मंदिर के जस्ट पास लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, मतलब इनफैक्ट मेरे पीछे एक ही घर है और एक ही घर है। लोग इतने किलोमीटर्स दूर से इस मंदिर के पास आते हैं, और कुछ लोग इतने लकी होते हैं कि वो यहीं रहते हैं। शिव शंभू।